नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। जनपद शामली के कस्बा जलालाबाद क्षेत्र के गांव दखोड़ी में मुर्गी फार्म हाउस पर रात्रि में आकाशीय बिजली गिरने से लाखों का नुकसान हो गया। गांव दखोड़ी के रॉयल लेयर फार्म हाउस पर रात्रि 11:30 बजे आकाशीय बिजली गिरने से 60 लाख से अधिक का नुकसान हुआ है। आकाशीय बिजली गिरने से कुछ समय पूर्व ही मुर्गी फार्म हाउस में काम करने वाले 22 मजदूर देखरेख करने के बाद नीचे ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच गए थे। गनीमत यह रही कि सभी मजदूर बाल बाल बच गए। आकाशीय बिजली की गड़गड़ाहट व चमक से आसपास का क्षेत्र सहम गया। जब मजदूर बाहर निकले तो उन्होंने ऊपरी फ्लोर को तहस नहस पाकर फार्म हाउस के संचालक ठाकुर सोमवीर सिंह राणा को सूचना दी। सूचना पर लेयर फार्म हाउस के संचालक मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि ऊपरी फ्लोर में 15,000 मुर्गियां थी जो चपेट में आ गई है और काफी संख्या में अंडा भी खराब हो गया है। लगभग 60 लाख अनुमानित कीमत का नुकसान हुआ है। गनीमत यह रही कि आकाशीय बिजली गिरने से कोई जनहानि नहीं हुई। बहुत तगड़ी बारिश हुई, अधिक पानी पड़ा, उसी बारिश के बीच में पता नहीं इसमें बिजली गिरी है क्या हुआ, उसी टाइम ये गिरा। कम से कम 60 लाख रुपये का नुकसान, 15,000 मुर्गी थी। नहीं, सिर्फ जनहानि बच गई, बाकी वैसे जनहानि तो बहुत मोटी होगी और शुक्र है परले वाले का कि जनहानि आपके। लेकिन 20-22 वर्ग थे, लेकिन 5 मिनट पहले निकल के साइड से दूसरे साइड में काम कर रहे थे, इसी बीच घटना हुई। इसके बाद 11:30 बजे इन्होंने मुझे फ़ोन करा, तो भी मैं रात को यहाँ आया। बहुत बारिश हो रही थी उस टाइम पर, क्या बुलाए, बहुत लोग बुलाए, अभी यहाँ लग रहे बाहर से और कुछ ये सारे लेबर वाले लगेंगे और पिंजरे कट कट के बाहर निकलेंगे। वैसे तो फंस गई।